COVID-19 pandemic, coronavirus, epidemic, delta, omicron, inspiration post on Instagram. अक्रॉस इंडिया इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यूज को डेटरेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है. इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, मैं सिर्फ दो चीजें बोलूंगी, मेहनत और आत्मविश्वास. वेलकम टू द सेट टॉक ऑन हाउ नॉट टू ओवरकम अ पैंडेमिक. 2 साल से ज्यादा हो गए हैं जब लोग बड़े बड़े देशों से ट्रेवल करके हमारे देश में आए, लेकिन आज भी हम वही हैं. हम भी हर रोज जब आप सोकर उठते हैं तो आपको एहसास होता है दैट लाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द फूड यू गेट, इवन द सैनिटाइजर फील्स ग्रेटफुल फॉर इट. खबरें जो आपको रखे सबसे आगे और एक बेहतरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के पीछे ब्रेव हार्ट बनना हर कोई चाहता है. ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू कॉन्फिडेंस के आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, बी फियरलेस. क्या देश में कोरोना का विस्फोट हो गया है? और ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज कोरोना के नए केस जो सामने आए हैं वो डराने वाले. सब ठीक हो जाएगा, ये एक ऐसी लाइन है जिसको अब्यूज कर करके हम आज 2 साल से यही कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा. इन एडिशन टू दिस, ऐसे भी दिन गए हैं जब सेकेंड वेव से बाहर आते आते इंडिया की इनकम इनइक्वालिटी में भी बदलाव आए. वी रियलाइज्ड द रिच गॉट पुअरर, मिलियंस ऑफ इंडियंस वर पुश्ड इनटू द पॉवर्टी ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक. साउथ एशियन कंट्री में पैदा होने वाला वो हर इंसान जो हायर स्लैब ऑफ इनकम में हो, काफी हद तक रिडक्शंस डिडक्शंस में फंसा रहा. यू नो व्हाट दे ऑल बिलीव्ड इन, यू नो आई डोंट नो, बट सबसे ज्यादा हौसला बढ़ाया सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन कमर्शियल्स ने, यू नो विद द क्रिएटिविटी दैट वॉज मीनिंगफुल. हैशटैग फेस एनीथिंग, डर के आगे जीत है, डी यू. हैशटैग तैयारी एग्जाम की, ब्रेव एंड ब्यूटिफुल. हैशटैग इंडिया इनवाइटेड, हैशटैग एक नया नजरिया. दैट वॉज इंस्पिरेशनल एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग फॉर गुड. मगर इन सब के बाद भी वी थॉट सब ठीक हो जाएगा. कैसे? What?